हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सोशल चेस स्पेस में। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ट्रेनिंग। तो एक सिंपल पोजीशन लाया हूं जिसमें कुछ वेरिएशंस होंगे और एक लंबा लाइन होगा, बहुत ज्यादा डीप नहीं है। पोजीशन रिलेटिवली इजी है, पर इसके आगे के जो पोजीशंस होंगे इसी थीम के और ज्यादा कॉम्प्लेक्स पोजीशंस होंगे। व्हाइट टू प्ले एंड विन है, दिखने में काफी इजी लगता है पर उतना इजी नहीं है अगर हम फर्स्ट मूव नहीं ढूंढ पाए तो। सबसे पहले हम चेक्स की ओर अगर देखें तो रुक c1 चेक है, रुक f5 चेक है और b4 चेक है। रुक f5 चेक में ऐसा लगता है कि विन हो जाएगा। रुक f5 चेक, ab6, रुक b7 चेक, kc7 को रुक b7, kd8 और नाइट का डबल चेक। लेकिन किंग a7 के बाद आप देख सकते हो कि रुक b7 चेक, किंग a8, रुक चेक, इसको नाइट a6 आके गेम जो है आगे बढ़ेगा। इंस्टेंटली फोर्स मेट नहीं है, इस वजह से रुक f5 चेक इस पोजीशन में बेस्ट नहीं है। रुक c1 चेक को तो जस्ट किंग टेक्स d6 हो जाएगा, तो बचता है b4 चेक, जो दिखने में लगता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे वेरिएशंस हो रहे हैं। b4 करके देखते हैं। अभी आप देख सकते हो कि एक तो kb4 है, दूसरा दिखने में लग रहा है kb6 ऑप्शन भी है। लेकिन अगर हम ध्यान से कैलकुलेट करें तो समझ में आएगा कि KB6 के बाद रुक B7 चेक, किंग A6 पोस्ट, उसको रुक A1 जल्दी से मेट हो गया। KB6, रुक B7, KA6, रुक A1 चेकमेट। अब चलते हैं किंग टेक्स B4। किंग टेक्स B4 करते ही रुक B7 चेक। इसमें बस दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत सारे वेरिएशंस हैं, पर इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। रुक B7 को किंग A5, A4 और A3 तीनों ही केस में आप देख सकते हो कि रुक A1 चेकमेट है। तो रुक B7 चेक के बाद यहां पे बचते हैं दो लाइंस, KC5 और KC3। KC5 को फिर से आप देखोगे रुक B5 चेकमेट। तो वेरिएशंस जो है शॉर्ट है, बड़े नहीं है पर बहुत सारे वेरिएशंस है। किंग C3, अब व्हाइट को यहां पे थोड़ा सा केयरफुल होना है, चेक्स फिर से बहुत सारे है तो ऐसे में ही गलती होने के चांसेस रहते हैं। नाइट e4 चेक है, रुक d3 चेक है, रुक c1 चेक है। रुक c1 चेक में kd2 से रुक अटैक और e3 अटैक हो जाएगा। रुक d3 चेक kc2 के बाद यूजफुल चेक नहीं है। तो नाइट e4 चेक में सोचा व्हाइट ने, दिखने में लगता है kc4 आएगा पर आप फिर से देखोगे नाइट e4, kc4, फिर रुक d4 चेकमेट। तो यानी नाइट e4 चेक को kc2 फोर्स्ड और अब लगता है कि यहां पे कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास रुक d2 चेक को जस्ट kc1 है, उस रुक से चेक हो नहीं रहा है। लेकिन इंसिडेंटली नाइट e4 चेक kc2 के बाद व्हाइट के पास दो विनिंग मूव्स है। यहां पे दो अलग अलग तरह से बेटिंग पैटर्न बना सकता है। पहला तो है रुक b1, जिसमें आप देखोगे कि कुछ भी करे रुक d c1 चेकमेट बचता ही नहीं है। दूसरा है रुक db1, जिसमें भी बस रुक b6 कर सकता है, रुक टेक्स b6, अब कोई भी मूव करे, फॉर एग्जांपल nd7 या रुक c8, उसको भी रुक 6 b2 चेक और किंग के पास कोई भी जगह नहीं है तो चेकमेट हो गया। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस का ये एक इंट्रोडक्टरी एग्जांपल था। इसके आगे धीरे धीरे जो पोजीशंस है इससे ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएंगे। आपको ये पोजीशंस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।